लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट मोबाइल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैंने क्या हुआ के लिए एक और हैंडसेट जो है दोस्तों V2 Plus, और ये हैंडसेट भी गोडल की ब्रांडिंग में आपको मिलेगा, लेकिन ये भी गोडल वालों का खुद का हैंडसेट नहीं है, एक लोकल ब्रांड है जिसको भी गोडल की ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल किया जा रहा है। और दोस्तों इस हैंडसेट की जो प्राइस मिलती है वो है 1850 रुपये। आइए मैं आपको इसके स्पेक्स बताता हूँ और उसके बाद हम इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों ये ड्यूल सिम सपोर्टेड है और इसके अलावा GPRS मिलता है हमें इसमें। और यहाँ पर मैं आपको सही क्लियर करके दिखाऊँ तो 2.4 इंच की स्क्रीन मिलती है, ब्लूटूथ मिलता है, कैमरा, बिग टार्च मिलती है, वायरलेस FM मिलता है, मल्टीपल ईयर प्लेयर मिलता है, 1700 mAh की बैटरी मिलती है और ब्लैक लिस्ट है। दोस्तों ये थे इसके स्पेक्स, अब आइए हम करते हैं इसको अनबॉक्स और करते देखते हैं। हैं। अब हम अनबॉक्स और देखते हैं कि इस हैंडसेट का शेप कैसे मिलता है हमें। तो यहाँ पे मैंने इसको इसके स्पीकर को काट दिया है, ये हो गया अनबॉक्स। तो दोस्तों ये हैंडसेट का मैं आपको शेप दिखाऊं, दोस्तों आप देख सकते हैं इसका शेप हैंडसेट का। कीपैड हमें इसके हार्ड मिलते हैं, 2.4 इंच की स्क्रीन, अपर साइड में ये इसका एयर पीस मिलता है। और इसके अलावा डाउन साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें 3.5 का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक और माइक मिलती है इसकी डाउन साइड में, ये देख सकते हैं आप। और साइडों में हमें एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मिलती है, और यहाँ पे भी दूसरी साइड में आपको चेक करा देता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों अपर साइड में हमें इसके टार से मिलती है, वो मैं आपको चेक कराऊंगा। और इसके अलावा इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं, बड़ा सा स्पीकर मिलता है हमें, कैमरा, और यहाँ पे हमें भी गोडल की ब्रांडिंग मिलती है। तो ये था हैंडसेट, अब आइए देखते हैं कि इसकी एसेसरीज में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये है इसकी हैंड फ्री, आप देख सकते हैं ये इसकी हैंड फ्री मिलती है हमें। और इसके अलावा ये इसका चार्जर मिलता है हमें एक्सेसरीज में। और उसके अलावा इसकी बैटरी मैं आपको चेक कराऊँ तो वो हमें मिलती है 1700 mAh की बैटरी। मैं आपको उसकी बैटरी चेक करता हूँ कितने mAh की मिलती है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1700 mAh की बैटरी मिलती है ये इसकी, ये आप देख सकते हैं। और अब आइए हम करें इसको हैंडसेट को ऑन, तो एक्सेसरीज को करते हैं बंद अभी हम। और यहाँ पे बॉक्स को बंद कर दिया मैंने, ये देख सकते हैं इसका स्पीकर, एक बड़ा सा स्पीकर मिलता है, ड्यूल सिम सपोर्टेड है और मेमोरी कार्ड लगेगा यहाँ पे। तो दोस्तों करते हैं इसको ऑन अब हम बैटरी इंसर्ट करके। इसकी वॉइस भी चेक कर सकते हैं, दिखा देता हूँ। स्पीकर का आवाज़ तो वैसे ही बड़ा हुआ क्योंकि स्पीकर आप देख सकते हैं बड़ा है इसका। और अब चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कॉन्टेक्ट मेमोरी कितनी मिलती है, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट मेमोरी इसकी चेक कराता हूँ। अदर मेमोरी स्टेटस दोस्तों, ये इसमें हमें 300 कॉन्टेक्ट की मेमोरी, ऐसा मेमोरी स्टेटस मिलता है, ये देख सकते हैं आप, 300 कॉन्टेक्ट आप इसमें सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम चलें इसमें SMS मेमोरी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम चलते हैं इसकी कैपेसिटी में, तो 100 SMS आप इसमें सेव कर सकते हैं और सिमों में अलग से। तो अब इसके राइट मैसेज में चल के टाइप करके देखते हैं कि टाइप बिल्कुल ही आसानी से हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से टाइप तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा हल्का स्लो भी है ये आंसर। और इसके अलावा दोस्तों हम चेक करें इसके इंटरनेट में, तो यहाँ पे हमें ये डायरेक्टली ब्राउज़र मिलता है इसका। और इसके मल्टीमीडिया में चल के देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज व्यूअर, वीडियो ऑडियो प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर मिलता है, FM मिलता है। और इसके टूल्स में चल के मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, तो मैं आपको टॉर्च जला के दिखा देता हूँ इसकी कि टॉर्च की लाइट कैसी है इसकी, ये देख सकते हैं इसकी टॉर्च का शेड। आप यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखाऊँ तो ये है इसकी टॉर्च का शेड, बहुत ही अच्छा मिलता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी टॉर्च का शेड तो हमें अच्छा ही मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं इसकी सेटिंग में अब, और देखते हैं कि इसकी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सेटिंग हमें ये है इसकी सेटिंग, और इस सिक्योरिटी में चलते हैं इसकी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन लॉक, मॉडिफाई सेल फोन और प्राइवेसी, यहाँ पे आप प्राइवेसी भी रख सकते हैं किसी भी
फोल्डर पे लॉक लगा सकते हैं, और ग्राफिक्स डायलिंग, और इसके अलावा कॉल सेटिंग में तो वही सेम चीज़ें मिलती हैं। फ़ोन सेटिंग में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन सेटिंग में भी हमें मिलता है लैंग्वेज, टाइम और शॉर्टकट सेट मिलता है। पावर सेविंग मोड भी हमें मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सेविंग मोड भी हमें मिलता है, जिसको एक्टिव करने के लिए ये देख सकते हैं, इसकी लाइट थोड़ी सी हल्की कंज्यूम हो गई, और यहाँ पे ये लाइट आप देख सकते हैं थोड़ी ब्राइट हो गई। तो ये थी इसकी सेटिंग में चल के, मैं आपको कॉन्टेक्ट्स भी इसका सेव करके दिखा देता हूँ कि कलर इमेज और रिंगटोन सेट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्लासिफाइड ऑफ वगैरह मिलता है, तो ये दोस्तों इसमें आप कलर इमेज और रिंगटोन सेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हैंडसेट, और इसके स्पीकर का आवाज़ भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। फिर भी यहाँ पे हम चलते हैं इसके प्रोफाइल, यही प्रोफाइल हमें इसकी सेटिंग मिलता है। मैं आपको इसकी वॉइस रिंगटोन सुनवा देता हूँ, मोर रिंगटोन्स। फिक्स ये था इसका वॉइस दोस्तों, हमें इसका स्पीकर भी अच्छा मिलता है, बड़ी आवाज़ है इसके स्पीकर की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चल सके। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।